जिंदगी में सर जो भी रिश्ते होते हैं ना, बाप बेटा, बहू बेटी, दामाद, जितने भी हैं, सब लेना देना है कर्मों का। आप ये समझ के चलिए, एक फौजी होता है, वो फौजी अनाथ होता है, उसके कोई आगे है ना कोई पीछे, वो पैसा उसके पास इकट्ठा होता ही रहता है। एक सेठ जी होते हैं जो फौज में अपना राशन सप्लाई करते हैं, तो सेठ जी और फौजी की दोस्ती हो जाती है, तो सेठ जी उसको बोलते हैं, तेरे पास इतना पैसा है, इस पैसे को यार मेरे को दे दे, मैं बिजनेस में लगाऊंगा, अपने दोनों की 50-50। फौजी भी बोला ठीक है, फौजी ने पैसा दे दिया बहुत सारा, सेठ जी का भी व्यापार चलने लगा, एक साल आया, दो साल आया, चमक गया बिजनेस, सेठ जी दे रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया, तो फौजी को जाना पड़ा युद्ध में। युद्ध में गया, वहां क्या हुआ कि एक जंगली घोड़ी मिली, अब वो उसको रोके और वो घोड़ी वापिस जाए दुश्मनों के घेरे में, एक बार आवे, दो बार आवे, इसने गफलर तक तोड़ दिए, पर वो घोड़ी उसके हाथ में नहीं आवे, बार बार उसको दुश्मनों के घेरे में, और तीसरी बार उसको दुश्मनों में ले गई, और वो आदमी को फौजी वहां मारा गया। अब वो फौजी जब मारा गया, सेठ को मालूम पड़ा, तो सेठ बहुत खुश हुआ कि अभी किसी को देना, अब उसका पैसा तो अपने पास रह गया। थोड़े दिनों बाद सेठ जी का एक सुंदर लड़के ने जन्म लिया। सेठ जी ने बोला, यार परमात्मा बड़ा दयालु है, इधर तो वो लेने वाला भी चला गया और इधर घर पे अपना लड़का। अब सेठ जी उसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं, सेठ जी ने उसको जोरदार तो पढ़ाई पे खर्चा किया, बढ़िया से बढ़िया उसकी पढ़ाई की, बच्चा बड़ा हो रहा है। फिर जब बड़ा हो गया, जब शादी का टाइम आया ना, तो उसने 36 गांव को बुला के खाना दिया, के यार खाना खाओ, मेरा बच्चे की शादी है। अब बहू रानी आई, अब बहू रानी भी आ रही है, अब सोचिए मेरी बात को। थोड़े दिनों बाद इसको लगा कि मेरा बच्चा मेरा काम अभी संभाल लेगा, कि बच्चा बीमार पड़ गया। अब वो बच्चा बीमार पड़ गया तो रोज नीम हकीम, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी उस डॉक्टर पे, 6 महीना हो गया। और एक दिन वो डॉक्टर बोल दिया कि सर हम खाली आपसे पैसे लेते हैं, इस बच्चे का कोई इलाज नहीं है, आप चले जाइए इधर से। अब वो रोते रोते दोनों आ रहे हैं, तो एक आदमी मिला के, यार हमारे पास वैद्य जी है, वो 2 रुपये में ठीक करते हैं। वो वैद्य जी के पास गए और 2 रुपये की दवा ली, और वो पूरी जैसे ही दिया, वो बच्चा मर गया। अब उसके पूरे परिवार में आंखों में पानी, गांव वाले भी आते थे, उनको भी लगता था कि सेठ का यार एक लड़का था और चल बसा। थोड़े दिनों बाद वहां से एक महात्मा गुजरे, संत महात्मा थे, तो आए बैठे, तो ये सेठ जी वहां जाके बोलते हैं कि महात्मा जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वन संतों ने कहा, भाई तुम समता रखो, ये रखो। वो बार बार पूछे कि अभी जब तुमने पूछ ही लिया है ना, तो मैं तेरे को याद दिलाता हूं कि फौजी तेरे को याद है ने, वो चमका। बोले हाँ। उसकी मौत में तुम कितने खुश हुए थे? बोले हाँ। बोले वही फौजी ने तेरे घर पे बच्चे का रोल लिया, तूने जो पैसा खाया था ना लोगों का, वो इस बच्चे ने तेरा रूप लिया, और वो जो जितना पैसा तूने खाया था ना, पहले तो उसने पढ़ाई में पूरा किया, फिर उसने दवाई पानी में पूरा किया, और 2 रुपया बचा था वो तुम्हारे उस बुढ़िया से दिलवा दिया, उसका लेन देन वहां पूरा हो गया। और रोने लगा, बोले कैसा है? बोले वो सब तो ठीक है, फिर मेरी जो बहू रानी, उसने क्या गलती की? बोले वही वो लंगड़ी घोड़ी थी, जो उसको बार बार ले जाके जवानी में उसको शत्रुओं में डाल रही थी, तो उसने वहां मरवाया, तो आज उसकी हालत ये है। तो साहब, ये जितना भी है ना कर्मों का लेना देना है, आप सोच समझ कर कर्म कीजिएगा। सर इस प्लेनेट पे जब अपने आए ना, अपना अपने देखिए, दूसरे का पैसा, दूसरे की चीजें मत देखिए साहब। जीवन में कम होगा तो चल जाएगा, पर अगर ये बूमरैंग करके वापिस आएगा, आप ये समझ लीजिए, किसी का खाया हुआ पैसा 10 रुपये का 10,000 रुपया जाने वाला है। तो सोच समझ के काम कीजिएगा, कर्मों का लेन देन है सब। थैंक यू।